7040 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स पर निफ्टी पर 9 अंकों की तेजी है इस वक्त और मिड कैप शेयरों में 1/4% की मजबूती। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब प्रभुदास लीलाधर के ज्वाइंट MD दिलीप भट्ट साहब। दिलीप जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। दो हफ्ते काफी बेहतरीन रहे हैं और ये दो दिन बड़े टेंशन वाले, कल इतनी ज्यादा कमजोरी और आज थोड़ी सी रिकवरी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। बाजार का डायरेक्शन आगे के लिए क्या दिख रहा है, क्या बाय ऑन डिप्स या फिर सेल ऑन राइज? अनिल जी ऐसा लग रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट्स शायद इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉलो करेंगी और डोमेस्टिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस समय इंडियन मार्केट्स में विच इज गिविंग आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव ट्रिगर। और ये 31 मार्च का फैक्टर भी रहेगा। मार्च एक ऐसा महीना है जहाँ पर लॉट ऑफ आउटफ्लोज हैपन फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स स्क्वायरिंग अप ऑफ पोजीशंस। तो मुझे इस सबको फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद बाजार शायद ऊपर में थोड़ी बहुत बेचवा लिया जाएगी और शायद मे रिमेन लिटिल वल्नरेबल टू गो डाउन मे बी 6,000-6,100 के आसपास शायद उसका बॉटम हो सकता है। तो मुझे लगता है फॉर इन द शॉर्ट रन मे बी टिल मार्च एटलीस्ट मार्केट्स मे रिमेन अंडर प्रेशर और शायद एक प्री इलेक्शन रैली स्टार्टिंग समवेयर आफ्टर अप्रैल पॉसिबली शायद देखने को मिलेगा। ब्रॉडली ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल थिंग्स आर स्टिल इन अ सॉर्ट ऑफ लिटिल अनडिसाइडेड जोन में है मार्केट्स और वही एक वजह है कि कोई भी एक फैक्टर अगर डोमिनेट करने लगा तो वो शायद मार्केट को खींच के लेके जाएगा। कंसीडरिंग अभी ग्लोबल मार्केट्स लार्जली इंडियन ट्रेडर्स भी फॉलो कर रहे हैं तो अगर 6,200 के आसपास बाजार कुछ समय और बिताता है या फिर एक हल्का सा डिप भी देता है, दिलीप आप क्या कुछ खरीदारी करना चाहेंगे अभी? हर्षदा व्हाट वी विल डू इज हम लोग एक मिक्स ऑफ फ्रंट लाइंस और मिक्स ऑफ मिड कैप में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमको अभी भी लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होने की बहुत जरूरत है और थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव नेचर होना चाहिए स्टॉक का, इतना एग्रेसिव पोजीशन भी लेना नहीं चाहिए एटलीस्ट इन द रन अप टू द इलेक्शंस। तो वो स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि लार्सन टुब्रो अभी भी बहुत अच्छा रहेगा, अपोलो टायर्स फ्रंट लाइन में ठीक रहेगा। ऐसा लग रहा है कि शायद हीरो मोटर्स जो डिप में आएगा तो शायद हीरो मोटर्स को देखना चाहिए और ऑफकोर्स फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज तो है ही, जैसे आप HCL टेक ले लो, इंफोसिस ले लो और मिड कैप्स में शायद अ मिक्स ऑफ आईटी कंपनीज लाइक NIT टेक्नोलॉजीज या फिर एम्फेसिस या समथिंग लाइक अ यूनाइटेड फॉस्फरस। So it's going to be a mix of mid cap as well as front line, which is what we will be looking at. लेकिन क्या आपको लगता है, एक दो सवाल यहाँ पर दिलीप जी, पहला तो एक कि किस लेवल पर अगर करेक्शन होकर बाजार आ जाए तो आप कंफर्टेबल है खरीदारी करने के लिए और दूसरी बात उन लेवल के आसपास से क्या प्री इलेक्शन एक तेजी की रैली बनने की संभावनाएं आपको दिखती है, यदि हाँ तो कितनी हो सकती? मुझे लग रहा है कि अराउंड 6,000 के लेवल पे आ जाए बाजार तो शायद डेफिनेटली एक कंफर्ट पॉइंट आ जाएगा। वहां से शायद ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस डाउनसाइड विल अपीयर टू बी लिमिटेड। अराउंड 6,000 इज अ लेवल विच जहां पर लोगों को उतनी अट्रैक्शन भी रहेगी कि शायद यहां से एक प्री इलेक्शन रैली में 300-400 पॉइंट्स का रैली मिल सकता है। तो शायद 6,400 के आसपास प्री इलेक्शन हो सकता है, दैट इज अ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। ये कैलकुलेशन वही है कि एज वी रन अप टू द इलेक्शन मोर एंड मोर पोल प्रेडिक्शंस विल कम विच विल गिव सम काइंड ऑफ अ डायरेक्शन एज टू वेदर कोई एक गवर्नमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए यहाँ पर यहाँ से लेकर इलेक्शन तक बाजार आपको मौके देगा ट्रेडिंग के, या तो आप ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करें या फिर 6,000 के आसपास के लेवल का इंतजार करें जहां पर आपको खरीदारी के बेहतरीन मौके होंगे। अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने की राय दे रहे हैं दिलीप भट्ट जी, वो कह रहे हैं कि L&T, अपोलो, हीरो मोटो, HCC, इंफोसिस, NIT और साथ ही एम्फेसिस, BFL, UPL जैसे शेयरों का एक दिग्गज और छोटे शेयरों का मिक्स पोर्टफोलियो अच्छा बनाए और उसके बाद बाजार में जब कमजोरी आए तब खरीदारी आप करने का एक मौका देख सकते हैं। फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स की चिंताओं के चलते उछाल में एक बार की थोड़ी बिकवाली करके प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। दिलीप जी शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर ये सारी राय बाजार सेक्टर स्टॉक्स पर देने के लिए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए टेक चेक। हमारे साथ होंगे इक्विटी रश के कुणाल सरावगी। ब्रेक के बाद
बेहतरीन इंट्राडे टिप्स, बुक करें अपनी फ्री ट्रायल, एसएमएस करें पैसा और भेजे 56767 पर सिर्फ paisa.com। To provide world-class wealth management services, Trade Bulls, your trust, our expertise. जिसकी यात्री ने गाड़ी की चेन खींची है, रेलवे डिपार्टमेंट उन्हें धन्यवाद देना चाहता है क्योंकि अभी अभी पता चला है कि आगे पटरी टूटी हुई है। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। असली लोग, असली घटनाएं, असली चेहरों, दिल दहला देने वाला एक घंटा Hell at 11, सिर्फ History TV 18 पर। Spanish Living in the heart of Noida, Ajnara Ambrosia offers 2, 3 and 4 BHK apartments at Sector 118 Noida. Say hola to happiness. अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें ऊपर वाला मिल जाए और कुछ पूछने के लिए कहे तो तुम क्या पूछोगे? मेरे बच्चों का फ्यूचर और मैं कॉर्पोरेट में ही जॉब करता रहूंगा या फिर मेरी खुद की भी कंपनी होगी। और कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, बच्चों का, मम्मी पापा का? बस यही कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा। इस सब के लिए ऊपर वाले को क्यों परेशान करना? यस आई कैन चेंज है ना। अब आप जान सकते हैं अपने जीवन की हर घड़ी, हर पल, यानी अपने जीवन का मासिक फल और उपाय, और कर सकते हैं अपने जीवन को सुखमय। यस आई कैन चेंज मंगवाने के लिए फोन करें 01144191919। कांग्रेचुलेशंस, लड़की हुई है। जमाई राजा, मिलोगे नहीं? क्यों, बेटी हुई है इसलिए? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बाम और मेडिसिन का अधूरा ट्रीटमेंट, फ्लेमिंगो ऑर्थोपेडिक हीट बेल्ट। इसमें है इम्पोर्टेड लॉन्ग लास्टिंग हीटिंग कॉइल जो मसल की टिश्यूज को कंसिस्टेंट हीट पहुंचाए, आपको देख पेन से लंबा आराम। करे दर्द का पूरा ट्रीटमेंट, फ्लेमिंगो ऑर्थोपेडिक हीट बेल्ट। NSE and CNBC TV 18 proudly present Investathon 2014. Presented by National Stock Exchange. वर्धमान ग्रुप लेकर आए हैं वर्धमान प्रॉपर्टी कार्निवल 7 से 9 मार्च तक आर्केडिया ग्रीन गांधीपथ वैशाली नगर जयपुर में, जहां प्रॉपर्टी बुक करवाने पर आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट के साथ बम्पर ड्रॉ जीतने का मौका। अवेल दिस अपॉर्चुनिटी नाउ और नेवर। छुटकाऊ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश? राइट सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई? क्या फर्क पड़ता है सर, हम तुम्हें क्या धमकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवारों के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट, सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। मार्केट्स आज कुछ स्टेबल मूव दिखा रहे हैं, 7 अंकों का इजाफा निफ्टी पर, आप देखिए 6228 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे माहौल में जहां पर ग्लोबल मार्केट्स पर सभी की नजरें हैं, भारतीय बाजार में क्या ट्रेड बनता है उस पर हमारी खास पेशकश टेक चेक में आज हमारे साथ हैं इक्विटी रश के कुणाल सरावगी। कुणाल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले निफ्टी पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि एक हल्का पॉजिटिव बायस दिखा है ट्रेड में, क्या ट्रेड बनता है इस समय? देखिए अंशता, मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और रेंज को अगर आप देखें और बिना ओवर एनालिसिस की अगर आप रेंज को देखते हैं तो आप देखते हैं 6350 एक लेवल है ऊपर की ओर और 6150 नीचे की ओर। अब ये जो 200 अंकों की रेंज है, मुझे लगता है कि इसी में बाजार काफी वक्त बिताने वाला है। जिस तरह की सुस्ती हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुरंत आपको कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा नीचे हुए भी जाते हुए भी बाजार नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए भी नहीं दिखता है, लेकिन बायस क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि फरवरी के मिड से हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार ऊपर की ओर है, तो मुझे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट अभी बुल्स को देना चाहिए और लॉन्ग पोजीशन के साथ बने रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो स्टॉक कुणाल आपकी लिस्ट में जो बड़े इंटरेस्टिंग है, टाटा के स्टॉक में आपको पावर दिख रहा है, रिलायंस के स्टॉक में पावर नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ अनिल जी, मुझे लगता है एक पेयर ट्रेड बनाया जा सकता है, और पावर आप देखिए काफी कमजोर दिखता है,
और इसमें देखिए जो सबसे बड़ा कारण इसको शॉर्ट करने का है वो ये कि 61 के स्तर को इसने तोड़ दिया कल के ट्रेड में और लगातार उसके नीचे ही आज भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको और गिरावट गहराते हुए दिखेगी। मुमकिन है कि यहाँ पर 58 और बाद में 57 के स्तर भी आपको देखने को मिले। टाटा पावर इसके विपरीत देखिए करेक्शन वहां पर भी आया है, लेकिन वहां पर निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी के बाद करेक्शन आया और मुझे लगता है कि 3 या 4 सत्रों के करेक्शन के बाद आज दोबारा इसमें एक रिजम्पशन देख रहे हैं ट्रेंड का। तो मुझे लगता है कि टाटा पावर को खरीदें, आर पावर को शॉर्ट करें तो एक बहुत ही बेहतरीन पेयर ट्रेड बन सकता है। दोनों तरफ का आपको रिस्क जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है क्योंकि दोनों ही कंपनी एक ही सेक्टर की है, तो बड़ी गिरावट आपको नहीं झेलनी पड़ेगी और दोनों ही काउंटर्स में मुझे लगता है प्रॉफिट आएगा। ओके, शुक्रिया कुणाल आपका ये सारी रणनीति आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार ने पॉजिटिव शुरुआत की, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी हो रही है ऐसा नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज फिर से बेहतर प्रदर्शन किया, तो सुस्ती के साथ सीमित दायरे में कारोबार होता है।